वेलकम बैक सर। तुमने मेरे साथ क्या किया? वही किया जिसकी वजह से आपकी जान बच पाई। मैं उनमें से एक हूं। मिक ने अपने बायोटेक के एक्सपेरिमेंट्स की मदद से किया है। आपके दिमाग को रोबोट के नर्वस और स्केलेटल सिस्टम के साथ जोड़ दिया गया है। इंसान और मशीन का बेमिसाल मेल, क्या बात है। अपनी मेहनत से मेरा अधूरा सपना पूरा करने के लिए शुक्रिया। लेकिन अब मुझे तुम्हारी नहीं बल्कि जरूरत है मेरे जैसे ही बड़े साथियों की। कर्नल लीलैंड बिशप। बल्क हेड, तुम्हें जल्दी ठीक होने के लिए और मेहनत करनी होगी। हाँ बल्क, क्या तुम हमेशा यहीं पड़े रहना चाहते हो? कोई फायदा नहीं, तुम्हें अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। वो वक्त दूर नहीं जब जब क्या जब सबको एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। वो नया ऑटोबॉट उसी के लिए है ना। ए बल्क हेड, मैं सोच रहा था क्योंकि तुम जख्मी हो इसलिए शायद स्टारस्क्रीन से छीना हुआ ये आर्मर तुम्हारे काम आए। इसमें बहुत ताकत है। तुम मुझे अपाहिज समझते हो? बल्कहेड, मुझे इसकी जरूरत थी। रास्ते से हटो नौसिखिए। ये तो चलने लगा। गुस्से में ये जल्दी ठीक हो रहा है। उसके चले पर नमक छिड़कना बंद करो। क्या तुम सच कह रहे हो रेफ? तुम्हें तुम्हारी मॉम ने सजा दी है? बहुत बड़ी सजा। मैंने होमवर्क नहीं किया और टेस्ट में भी ग्रेड कम आए हैं। कम का मतलब एक ही जगह माइनस ही मिला होगा। मैं बेस में कुछ ज्यादा ही वक्त गुजारने लगा हूँ। फोन पर बात तो नहीं कर रहे? नहीं मामा, बमल भी को मेरा हाई कहना। और जब तक अच्छे ग्रेड नहीं मिलते मैं घर पर ही रहूंगा। एक मुश्किल हल नहीं होती कि एक और खड़ी हो जाती है। अजीब बात है, लॉर्ड मेगाट्रॉन, अचानक ब्रेकडाउन का सिग्नल दोबारा ऑनलाइन आ गया है, लेकिन करप्टेड सिग्नल है। होशियारी से छानबीन करो, हो सकता है ये ऑटोबॉट्स की चाल हो। काश ऐसा ना हो। ब्रेकडाउन कई बार कमजोर पड़ा है लेकिन वो पेंट शाइन करने में माहिर है। तुम इतने दिनों ब्रेकडाउन, ये तुम्हें क्या हो गया है? मेरे पास ऐसी चीज है जिसे देखकर मेगाट्रॉन का दिल खुश हो जाएगा, तो मुझे अपने लीडर के पास ले चलो। ठीक 4:30 बजे मिलिट्री हाई सिक्योरिटी वॉल्ट से एक सैटेलाइट को चुराया गया था। हमें पता चला है कि यह काम उस डिसेप्टिकॉन ने किया है जिसका नाम ब्रेकडाउन है। वो काफी दिनों से नजर नहीं आया।
लगता है ब्रेकडाउन जब व्हीकल मोड में यहाँ आया था तब उसके साथ कोई और भी था। यानी कोई इंसान उसका साथ दे रहा है? और शायद मुझे पता है वो कौन है। जो सैटेलाइट चोरी हुआ है उसका नाम है डेमोक्लीस, जिसे बनाया था साइलस ने। मुझे लगता है कर्नल बिशप को अपनी चीज वापस चाहिए। लेकिन हमें लगा था साइलस अब नहीं रहा। मुझे भी यही लगा था। एजेंट फाउलर, मान लो अगर वो जिंदा है भी तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैक डिसेप्टिकॉन के साथ मिल गया है? मुझे तो शक है कि मेगाट्रॉन कभी इंसानों की मदद लेगा। क्यों नहीं, इंसानों का साथ तुम्हारे काम तो आता है। ये तो सच है। नॉकआउट, ये क्या बदतमीजी है, इसे यहाँ क्यों लाए? मैं हूँ साइलस, यानी साइबरनेटिक लाइफ ऑगमेंटेड बाय सिंबियोसिस। मेरे पास एक प्रस्ताव है। ये वही इंसान है जिसने ब्रेकडाउन के टुकड़े किए थे। प्लीज माय लॉर्ड, मुझे हिसाब चुकता करने दीजिए। शायद तुम एक बात को नजरअंदाज कर रहे हो कि तुम्हारे पास वो चीज नहीं जो ऑप्टिमस के पास है, कम से कम इस दुनिया में। और वो चीज क्या है? इंसानों का साथ। अपने आसपास देखो साइलस, मेरे पास इस वॉरशिप में एक ताकतवर फौज है। एक इंसान भला मेरे किस काम का? मैं कोई मामूली इंसान नहीं, और ये कोई मामूली हथियार भी नहीं। डेमोक्लीस एक पार्टिकल बीम कैनन है जिसमें इतनी ताकत है कि वो पेंटेगन को एक बर्थडे केक की तरह काट दे या किसी भी पहाड़ को मिनटों में पिघला दे, वो भी एक सैटेलाइट के जरिए। ये कमाल का हथियार है जो मेगाट्रॉन के लिए ही बना है, जिससे मैं किसी पर भी कहीं भी हमला कर सकता हूँ। बिल्कुल, और इसका निशाना भी कभी नहीं चूकता। और इसके बदले में तुम क्या चाहते हो? आपकी शिप पर एक अच्छी सी जगह। डिसेप्टिकॉन्स के पास सैटेलाइट जरूर है, लेकिन उन्हें इंटरफेस कोड की जरूरत भी पड़ेगी। उसकी सिर्फ एक ही कॉपी है जो कोलोराडो के हेडक्वार्टर्स के सर्वर में मौजूद है। हम किसी भी कीमत पर उस कोड को डिसेप्टिकॉन्स के हाथों में नहीं पड़ने देंगे। तो फिर चलो। देखो, मैंने अभी तक तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दी है, और ना ही तुम लड़ने के लिए तैयार हो। अटेंशन, सारे सोल्जर्स इस जगह को जल्द से जल्द खाली कर दें। यहाँ पर रेडिएशन लीक होने का खतरा है। सब लोग सुनो, जल्दी वहाँ से हट जाओ। डिसेप्टिकॉन्स हमसे पहले यहां पहुंच गए। हमें कमांड सेंटर को उनके हाथ लगने से रोकना होगा। ऑटोबॉट्स वहां पहुंच गए हैं। मेगाट्रॉन, घबराओ मत। लॉर्ड मेगाट्रॉन, वॉरशिप से डेमोक्लीस को चलाने के लिए साउंड वेव का ऑनकोर्स को डाउनलोड करके लाना बहुत जरूरी है, लेकिन जब तक साउंड वेव वहां पर है वो डेमोक्लीस को वहीं से चला सकता है। साउंड वेव, इसका एक नमूना दिखाओ।
लाजवाब है। पीछे हटो। रैचेट, हमें बैकअप चाहिए। ठीक है, अभी आया। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम एजेंट फाउलर की मदद से डेमोक्लीस को वहीं से रोकने की कोशिश कर सकते हो? इस इंसानी कंप्यूटर नेटवर्क पर, वो भी बिना मेरे बैकअप के और बिना रैफ के? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? रैफ, तुम्हें दुनिया को बचाना है। ऑटोबॉट्स, हमें उसका ध्यान खींचना होगा ताकि रैफ अपना काम कर सके। मेरे ख्याल से ये काम इतना मुश्किल नहीं होगा। रैचेट, तुम्हें मुझे भेजना ही होगा ताकि तुम आसानी से उनका शिकार बन जाओ। बल्कहेड, तुम अभी तक ठीक से हिलडुल भी नहीं सकते। पर ब्रेकडाउन लौट आया है, वो मेरा जानी दुश्मन है। मान जाओ, बच्चे तक मदद कर रहे हैं। ठीक है बल्कहेड, तुम्हें जाने की इजाजत देता हूँ। यस, लेकिन जहाँ मैं कहूँ वहीं पर। सिस्टम में घुस गया हूँ लेकिन पूरी तरह नहीं, फायरवॉल्स मजबूत हैं। कम ऑन रैफ, अगर वो इंटरफेस कोड डिसेप्टिकॉन्स के हाथ लग गया तो डेमोक्लीस 24 घंटे आग बरसाता रहेगा। कोड मिल भी जाए तो क्या, सैटेलाइट के बिना कोड का क्या करेंगे? मैं कुछ समझा नहीं। हर सैटेलाइट में मैन्यूवरिंग थ्रस्टर्स होते हैं जिनसे वो उड़ पाते हैं। अगर मैं नेविगेशन सब रूटीन में घुस गया तो पूरी सैटेलाइट ही तबाह कर दूंगा। बढ़िया। अच्छा मुझे बताओ, बाथरूम कहाँ पर है? क्या नहीं, मॉम ने देख लिया तो? रिलैक्स, मैं ट्रेन्ड हूँ, मुझे कोई नहीं देख पाएगा। चाहे निंजा से भी ट्रेनिंग क्यों ना ली हो, मेरी मॉम की नजर से कोई नहीं बच सकता। सिस्टम में कोई घुस आया है। साउंडवेव, घुसपैठिए को रोको। जैस्पर नेवाडा, ये जरूर ऑटोबॉट्स के इंसानी दोस्तों का काम है। फिर तो तुम्हें जाकर उनसे निपटना चाहिए। मेरे ख्याल से तुम्हारा कोई सिपाही ये काम कर लेगा। जाओ। रास्ता साफ है, मैं जा रहा हूं। नहीं जा सकता। बाय बाय बदमाशो। भेजने का आइडिया बढ़िया था रैचेट। मैं तुमसे मिलने को कब से बेचैन था। अचानक तुम कहां चले गए थे? सब्र करो वरना तुम्हें भी वहीं भेज दूंगा। तुम ब्रेकडाउन नहीं हो लेकिन तुम बल्कहेड ही हो, और इस बार मैं तुम्हें अपने काम में टांग अड़ाने नहीं दूंगा। साइलस, समझदार को इशारा ही काफी होता है। बल्कहेड, तुम मुझे सुन सकते हो? बल्कहेड, ऑप्टिमस, जल्दी किसी को बल्कहेड की मदद के लिए भेजो। वो सबस्ट्रिंग कहाँ छुपी हुई है?
हे रैफ, टॉयलेट पेपर खत्म हो गया है। अब तुम में वो बात नहीं रही, तुम्हारे कदम डगमगा रहे हैं, कमजोर पड़ गए हो। मैं कमजोर नहीं हूं, तुमने यहां आकर गलती कर दी ऑटोबॉट। असिस्ट करना, यही तो मेरा काम है। तुम भी नए हो और मैं भी, लेकिन आज तुम्हारे काम का आखिरी दिन है। वो सैटेलाइट को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं साइलस, तुम एक छोटे से बच्चे को नहीं रोक सकते। साइलस, हमें कोड्स मिल गए, सीधे घुसपैठिए पर ही हमला कर दो। यही सही मौका है, ऑटोबॉट्स कमांड सेंटर पर कब्जा करो। बस हो ही गया। रैफ, क्या बात है, वो हिल रहा है। मैं नहीं हिला रहा हूँ। गाइस, ये तो जैस्पर है। वो देखो, वो मेरा घर था। मुझे अपना घर दिख रहा है, ठीक निशाने पर। जल्दी करो रैफ। फुल थ्रस्ट अप बर्न। राफायल होर्हे गोंजालेस एस्कोवेल, तुम अंदर क्या कर रहे हो? हम ग्रुप स्टडी कर रहे साइलस, जल्दी बेस पर लौटो। लगता है किसी का प्लान कामयाब होने से पहले ही धुएं में उड़ गया। एक बात जानते हो, मैंने रैकर्स की हर एक लड़ाई के बारे में पढ़ा है। लगता है हमारी खूब जमेगी, क्या कहते हो? साइलस, तुम्हारे लिए मैंने शिप पर एक सही जगह चुनी है। लॉर्ड मेगाट्रॉन, सुनकर बड़ी खुशी हुई। नॉकआउट की ऑपरेशन टेबल। ब्रेकडाउन होता तो खुश हो जाता। नहीं लॉर्ड मेगाट्रॉन, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ डेमोक्लीस ही था और अब तो वो भी नहीं रहा।
इसलिए दुश्मनों की तरह इंसान का साथ मेरे किसी काम नहीं आया। ये एक बढ़िया केस स्टडी बन सकती है। मैं एक एक तार को खोलकर जांच करूंगा। नहीं नहीं, मेगाट्रॉन, मुझे अपना गुलाम बना लो। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं।